बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानो ताला। यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चंस ऑफ एडिशन। आई होप यू हैव कंप्लीट योर वर्क ऑन योर बुक्स। पहले हम नया लेसन स्टार्ट करने से पहले कल का प्रीवियस लेसन रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने एडिशन का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक साइन दिखाया था और वो साइन कुछ ऐसे था। कैन यू टेल मी व्हाट द साइन इज? वेरी गुड, दिस इज द साइन ऑफ एडिशन, जिसे हम प्लस भी कॉल करते हैं। दिस इज प्लस और एडिशन साइन, राइट? फिर हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किया था कि कुछ नंबर्स हों और हम उनको ऐड कैसे करते हैं, जैसे कोई किसी की मदर या किसी के फादर, किसी के ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई ईद पे आपको ईदी देते हैं तो हम उन टोटल अमाउंट को कैसे ऐड करते हैं। आई होप कि आप सब ने उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज़ सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के नेम से आप ऑलरेडी पहले ही रेकोगनाइज हैं, फैमिलियर भी हैं। सबसे पहले आपके सामने सब्ट्रैक्शन का मैं सिंबल रख रही हूँ। इसको हम सब्ट्रैक्शन साइन एंड माइनस साइन भी कहते हैं। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग है टेक अवे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हो या कोई इसके अलावा कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पैसे हो सकते हैं, उस टोटल अमाउंट में से कोई चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में या उसमें से कोई चीज़ किसी को आप दे देते हो तो वो हमारे पास मेथड होता है माइनस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर आर सम मार्कर्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हम काउंट करें, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, दीज आर 4 मार्कर्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं इन मार्कर में से एक मार्कर, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ब्लू वन, मैं ब्लू एक सेकेंड आपके फ्रेंड को दे देती हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग मार्कर्स कितने रह जाते हैं? दीज आर 1, 2 and 3, दीज आर 3 मार्कर्स आर रिमेनिंग। मेरे पास 3 मार्कर्स रिमेनिंग में रह जाते हैं। तो ये जो मेरे पास 3 आंसर आया है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्या करके ऑपरेशन? माइनस करके जो मेरे पास आंसर आया है, दिस इज 3, और इसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए, वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, द नंबर विल रिमेन द सेम। कि हम अगर वेन वी सब्ट्रैक्ट 0, जब भी हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर से, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 में से हम 0 माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करें, तो आंसर वही सेम आएगा, यानी 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ 3 माइनस 0, तो मैंने कहा वेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर। अब एनी नंबर यहाँ क्या है? 3, एंड इसकी प्लेस वैल्यू है यूनिट। 3 में से मैं कोई 0 जब भी माइनस करूँगी तो वही आंसर, यानी कि मेरे पास सेम आएगा, यानी कि 3, राइट गर्ल्स? ओके, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। नाउ कम टू द इकरा मैथमेटिक्स बुक 2, एक्सरसाइज 1.3, एंड ओपन द पेज नंबर इज 25।
आज हमने पेज नंबर 25 करना है। कल हमने भी इसी पेज के फर्स्ट टू सिक्स पार्ट्स किए थे, आज हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7 से। 4 माइनस 3, अब आप 4 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं या अपने फिंगर्स पे, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप करें। तो स्टार्ट करते हैं 4 माइनस 3। जी बताइए, वेरी गुड, 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ पे हम 1 राइट कर। नेक्स्ट है 9, हमारे पास प्लेस वैल्यू है 10, 9 माइनस 8 इज 1, वेरी गुड। प्रॉपर फॉर्मेशन से बेटा आप लोगों ने राइट करना है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू 100, डिजिट है हमारा 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इज 1 आल्सो, वेरी गुड, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट है 1000 पे 7 माइनस 4, जी 7 माइनस 4 दिस इज 3, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है 10,000, 2 माइनस 2 सेम है, 2 माइनस 2 दिस इज 0, ठीक है बेटा। जैसे मैंने प्रॉपर फॉर्मेशन से राइट किया है, आपने भी प्रॉपर फॉर्मेशन से यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। पार्ट नंबर 9, दिस इज आल्सो योर होमवर्क। पार्ट नंबर 10 भी सेम एज इट इज है, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, दिस इज आल्सो योर होमवर्क। पार्ट नंबर 12 मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जी 3 माइनस 2, प्लेस वैल्यू हमारे पास यूनिट है, माइनस का साइन है, वही सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना है। 3 माइनस 2 दिस इज 1, वेरी गुड। नेक्स्ट है 10s, 3 माइनस 3 0, गुड। नेक्स्ट है 100 प्लेस वैल्यू है 3 माइनस 7। अब बच्चों आपको याद होगा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्मॉलर है एंड 7 इज ग्रेटर। अब 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, 7 वाले से कैरी लेंगे। अब कैरी लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 13 और ये जो है ये बन जाएगा 2, राइट। अब हम 13 माइनस 7 करेंगे, व्हाट द आंसर इज 6, वेरी गुड। जी यहाँ पे हमारे पास 1000 में, क्योंकि हमने कैरी दे दिया था, तो यहाँ क्या रह गया 2। अब 2 माइनस 5, यानी 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 2 स्मॉलर है 5 ग्रेटर है, तो 2 अब अगेन 10,000 यानी 3 से कैरी लेगा, दिस इज 12, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया 2, ठीक है। यहाँ पे 2 ने बोरो किया 3 से, तो ये बन गया 12 और 12 माइनस 5 इज 7, वेरी गुड। यहाँ हमारा 2 रह गया था, अब 2 में से अगेन चेक करें, 8 माइनस नहीं हो सकते, 2 स्मॉलर है 8 ग्रेटर है, तो हम अगेन क्या करेंगे, इसको 12 बनाएंगे 4 से 1 लेके, तो 4 ने बन यहाँ बोरो दिया, दिस इज 12 और ये क्या रह गया 3, और 12 माइनस 8 इज, वेरी गुड, दिस इज 4, यहाँ हमारे पास रह गया 3, 3 माइनस 7, अगेन 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम यहाँ से 1 लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 13 एंड 13 माइनस 7, वेरी गुड, 13 माइनस 7 इज 6, हम यहाँ पे 6 राइट कर देंगे। दिस इज 4, अब 4 में नीचे 4 की जहाँ डिजिट है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 एज इट इज हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, पार्ट नंबर 7 एंड 12 मैंने कर दिए, अब आपके जो 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं वो अब आपने खुद करने हैं।
ठीक है, नोट डाउन योर डायरी। यही आपकी डायरी है आज की। आपने इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में भी करना है और जो 4 पार्ट्स रिमेनिंग है इनको आपने इसी बुक पे अटेम्प्ट करना है। ओके, यही मैं डायरी मेंशन कर रही हूँ। पेज नंबर 25, पार्ट नंबर 7 to 12, 7 to 12, दीज पार्ट्स आर योर होमवर्क। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपने इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।